नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई लोग, बिग बैश लीग जो है वो अपने आखिरी चरण पे है, जल्द ही हमें फाइनल्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम ऐसे 20 की तरफ नजर डालें तो भैया कई दिनों के गैप के बाद एक बार फिर शुरुआत हो रही है डरबन सुपर जायंट्स और MI केप टाउन के मुकाबले के साथ, जो खेला जाएगा किंग्स मीट डरबन में। दोस्तों ये है 23rd मैच ऐसे 20 का, जिसकी सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो इसे पूरा जरूर देखें। और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की है, चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट के साथ। किंग्स मीट में अभी तक 3 मुकाबले सीजन के खेले गए हैं, 2 मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं आखिरी मुकाबला जो यहां पर खेला गया था वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा था। अब यहां पे डरबन सुपर जायंट्स का हाईएस्ट स्कोर है 216 रन और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली डरबन का है 80 रन 10 विकेट पर। बॉलर्स के प्रदर्शन पे आ जाते हैं भाई, 3 मैचेस में 34 विकेट चटकाए जा चुके हैं, पेसर्स की झोली में गिरे हैं 19 विकेट, तो स्पिनर्स ने चटकाए हैं 13 विकेट। ये है अभी तक का हाल पिच का। अब दोस्तों दोनों टीम्स की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट टेबल पे अगर हम नजर डालें तो डरबन हाल फिलहाल सबसे नीचे बैठी हुई है, 7 में से मात्र 2 मुकाबले जीत पाए हैं, पॉइंट्स इनके 8, नेट रेट है -1.602 का। MI केप टाउन ठीक इनके ऊपर नजर आती है, 7 मैचेस में 3 विंस के साथ, पॉइंट्स इनके 13 और नेट रेट है -0.111 का। अब ऐसे में क्या डरबन सुपर जायंट्स यहां पर केप टाउन को हरा के कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति की ओर बढ़ती नजर आएगी? दोस्तों चलिए फटाफट से दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से खेल सकते हैं काइल मायर्स, मैथ्यू ब्रिट्स की, क्विंटन डिकॉक, वियान मुल्डर, हेनरिक क्लासेन, जेसन होल्डर, कीमो पॉल, सिमोन हार्मर, हार्डस विलिजॉन, केशव महाराज और रिसी टोपली। अब दोस्तों ये जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, यहां पे अगर हम की प्लेयर्स पे नजर डालें तो बैटिंग लाइनअप के लिहाज से आप हेनरिक क्लासेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 मैचेस में 259 रन इन्होंने बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 148। वहीं क्विंटन डिकॉक के हाथ लगे हैं 7 मैचेस में 165 रन, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 139 का। टॉप ऑर्डर में काइल मायर्स भी रन स्कोर करते दिखाई दिए थे, जिन्होंने 163 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 133 और 2 विकेट्स भी इनके खाते में रहे हैं। वहीं अगर हम मिडिल ऑर्डर के बैटर वियान मुल्डर की बात करें तो 7 मैचेस में 145 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125 एंड 2 विकेट्स इनके खाते में है। अब भाई लोग ये तो होती है बात बैटर्स की और ऑलराउंडर की, अब जरा मेन स्ट्रीम बॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नाम यहां पर आपके लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं, पहले होंगे रिसी टोपली जिन्होंने 5 मैचेस में 7 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं केशव महाराज ने 5 मैचेस में 3 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। भाई लोग ये है डरबन सुपर जायंट्स की पूरी कहानी। अब बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट्स MI केप टाउन की ओर। भाई केप टाउन का भी हाल बेहाल नजर आता है, क्योंकि यहां पर डेवाल्ड ब्रेविज एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आते हैं लाइनअप में जिन्होंने तबाही मचाई है, रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं। वहीं रियान रिकल्टन, ग्रांट रफुलसन, रेसी वेंडर डुसेन, सैम करन, जॉर्ज लिंडे, डिलानो पॉटगीटर, राशिद खान, ओडियन स्मिथ, डुआन जेंसन, ककीसोर अबाडा, ये हैं बाकी के 10 खिलाड़ी जो कि भैया सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। अब दोस्तों अगर हम की प्लेयर्स पे नजर डालें और खास तौर पे अगर हम बॉलर्स की बात करें तो यहां पर बॉलिंग अटैक डिसेंट दिखाई देता है। दे हैव राशिद खान जिन्होंने 7 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, ओडियन स्मिथ के हाथ लगे हैं 5 मैचेस में 7 विकेट, तो वहीं ककीसोर अबाडा का भी सेम स्टैट्स नजर आते हैं, 7 विकेट्स इन 5 मैचेस। अब यहां पे अगर हम बैटर्स की बात करें तो एज आई हैव सेड डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार प्रदर्शन किया है, 7 मैचेस में 181 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 118। ग्रांट रफुलसन ने 7 मैचेस में 159 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 122 के आसपास का। वहीं रियान रिकल्टन ने 7 मैचेस में 146 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113। दोस्तों ये सभी टॉप ऑर्डर बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर की तरफ से MI केप टाउन को कुछ खास मदद मिली नहीं है। अब दोस्तों इस पूरे समीकरण को देखें तो एक चीज तो साफ नजर आती है कि एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। डरबन सुपर जायंट्स यहां पर मुकाबला जीतकर थोड़ी तब्दीली जरूर करना चाहेंगे। ऐसे में आपके लिहाज से दोस्तों आखिर कौन सी टीम यहां पर जीत रही है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें और देखें कि भैया कमेंट्स में किस टीम का पलड़ा भारी हो रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। अगर आपको है क्रिकेट की भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका My11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट, और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए My11 ग्रू ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।